आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो डीडी फ्रीडिस का ऑथोराइज सेट ऑफ बॉक्स यूज़ करते हैं। आप सभी को पता भी होगा डीडी फ्रीडिस के ऑथोराइज सेट ऑफ बॉक्स मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल हैं, कहीं कहीं पर मिलते हैं, लेकिन जिनके पास भी ये सेट ऑफ बॉक्स है उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब भी हम डीडी फ्रीडिस का ऑथोराइज सेट ऑफ बॉक्स परचेज करते हैं तो उसकी वैलिडिटी होती है एक साल की। एक साल के बाद इसमें कुछ एरर दिखाने लगेगा, एरर 100। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कोड आना स्टार्ट हो जाएगा, एरर कोड 100 का। जैसा कि आप यहां पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक कोड आया हुआ है कोड 100 का। ये कोड कभी नहीं जाएगा, आप चैनल चेंज करेंगे तो भी नहीं जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? यहां पर अगर देखें तो इसमें बताया गया है कि अगर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज करें दिए गए नंबर पर तो आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन इनका जो ये दोनों नंबर हैं ये कहीं पर भी वैलिड नहीं है। अभी तक डीडी फ्रीडिस का कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है, ये केवल आपको पॉपअप में नज़र आएगा। अगर आप इसको रिस्टोर करेंगे या कुछ भी करेंगे तो भी आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हाँ, इसका सॉल्यूशन आखिर में ये है, जहाँ से आपने परचेज़ किया है आप वहाँ पर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि इस प्रकार एरर कोड आया हुआ है, तो वो आपका सॉल्यूशन कर देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल दी गई है और डिटेल के साथ में ही एक मोबाइल नंबर दिया गया है। दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी सॉल्यूशन को बताइए तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगी। आपको घर बैठे ही इस सर्विस का फ़ायदा मिल रहा है। अगर आप अपने कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वो तो नंबर मिलेगा ही नहीं, और दूसरी आपने जहां से परचेज़ किया है वहां से आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, एक या दो दिन का हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन जो ये मैंने नंबर दिया है यहां से आप डायरेक्ट अपने घर बैठकर एक दो घंटे में ही इसका रिजॉल्व कर पाएंगे। रिजॉल्व हो जाने के बाद आपके बॉक्स की जो वैलिडिटी है वो एक साल एक्सटेंड हो जाएगी। एक साल के बाद फिर आपको यही प्रोसेस दोहराना होगा। इस बॉक्स में हर साल आपको यही काम करते रहना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।